24 में आपका स्वागत है। मैं मोनिका और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां पर एनसीएल बिना परियोजना में करोड़ों की साबित मशीन जलकर खाक हुई। सिंगरौली एनसीएल मुख्यालय के बिना परियोजना के खदान क्षेत्र में परियोजना प्रबंध की फिर से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि बीते दिनों दोपहर में अचानक टाटा जैसी हाइड्रोलिक साबित मशीन में आग लग गई। जानकारी के बाद मौके स्थिति को देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनंद फायर में परियोजना से दमकल मशीन मंगाई गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते करोड़ों की लागत की उप मशीन जलकर खाक हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि कोल परियोजना के खदानों में सुरक्षा उपायों को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं। वही एनसीएल के खदानों में इस साल काफी दुर्घटनाएं हुई है। एनसीएल प्रबंध व सेफ्टी विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते पिछले 6 माह के अंदर अवलोदी जैन गोलपी ब्लॉक बी तथा बीला कथित परियोजना के कोयला खदानों में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी प्रबंधन की आंखें नहीं खुली। सूत्रों की माने तो एनसीएल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते खदानों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसे रोक पाने में एनसीएल प्रबंधन नाकाम साबित हो रहा है।